दोस्तों आपने अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बगल वाले घंटे को भी दबा दें, क्योंकि हम लाते रहते हैं नए नए बिजनेस आइडियाज और नई नई जानकारी केवल आपके लिए। दोस्तों आज हम बात करेंगे नोटबुक मेकिंग बिजनेस के बारे में। दोस्तों चाहे हम स्कूल में हो, कॉलेज में हो, घर में हो, ऑफिस में हो, जॉब में हो या कहीं भी हो, हमें नोटबुक का उपयोग लगता ही लगता है। दोस्तों ये जो बिजनेस है ये FMCG में आने वाला बिजनेस है, जो फास्टेस्ट मूविंग कंज्यूमिंग गुड होता है उसमें आने वाला ये बिजनेस है, क्योंकि इसमें आपको हमेशा इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। तो दोस्तों ऐसे में ये बिजनेस में कभी मंदी आ ही नहीं सकती, इसलिए ये जो बिजनेस है ये काफ़ी स्कोप वाला बिजनेस है। तो दोस्तों आज हम इसी बिजनेस के बारे में बात करेंगे कि नोटबुक के लिए आपको कौन से नोटबुक बनाने के लिए आपको कौन से मशीनरी की आवश्यकता होगी, कौन से रॉ मटेरियल लगेंगे, कितने एरिया की आवश्यकता होगी, कितना कॉस्टिंग लगेगा और इसमें कितना प्रॉफिट होता है। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो में, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर ज़रूर सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इसी तरह के इनोवेटिव आइडिया लाते रहते हैं। तो दोस्तों अगर बात करें इस बिज़नेस की, तो नोटबुक मेकिंग बिज़नेस के लिए आपको जो मशीनरी रिक्वायर्ड होता है वो आप सिंगल फेस में भी चला सकते हो और थ्री फेस में भी। ना आपको ज़्यादा बड़ा लोड चाहिए, ना आपको ज़्यादा बड़ा कनेक्शन चाहिए, आप घरेलू लाइट पे भी इसको शुरू कर सकते हो। तो रही बात इसकी जगह की, कितने जगह चाहिए आपको, तो आप इसको 200 से 300 स्क्वायर फीट के एरिया में भी सेटअप कर सकते हो। थोड़ी सी जगह में भी मशीन लगा के घरेलू उद्योग की बिजली यूज़ करके आप इसको आसानी से अपना बिज़नेस शुरू कर सकते हो। तो दोस्तों हमारे पास जो मशीनें आती हैं वो तकरीबन 2 लाख से लेके आपकी 14 लाख तक की आती हैं। जैसे का आपका बजट हो, जैसे का आपका इन्वेस्टमेंट हो, आप उसी हिसाब से मशीनें लगाकर अपना काम शुरू कर सकते हो। तो जो मशीनें हैं वो सारी आपको स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स पे कॉन्टैक्ट करके आप सारा पता कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि ये मशीनें कैसे वर्क करती हैं, क्या क्या मॉडल होते हैं और कैसे इनका सारा वर्किंग प्रोसीजर होता है। तो दोस्तों अगर हम बात करें इसमें लगने वाले आपके रॉ मटेरियल की, तो इसमें आपके 2 चीज़ों का रिक्वायरमेंट होता है। एक रहता है अंदर वाला रूल्ड पेपर जिस पे हम कॉपी पे लिखते हैं, और एक बाहर वाला टाइटल पेपर होता है जो आप स्क्रीन में प्रिंटेड देख सकते हो। तो इन दोनों को हमने आपस में स्टिच करना होता है, फिर फोल्डिंग होता है, फिर स्क्वेयरिंग होता है और फिर कटिंग होता है। जो हमारा अंदर वाला रोल्ड पेपर है वो तकरीबन हमें मार्केट में 70 से 80 रुपये केजी के बीच में मिल जाता है, जो हम अच्छी क्वालिटी, जो जैसे कि क्लासमेट का होता है वो लेना चाहे तो, अगर इससे कम क्वालिटी का भी चाहिए हो तो वो भी मिल जाएगा। तो ये 2 रॉ मटेरियल हमें चाहिए होते हैं, एक अंदर वाला पेपर और एक बाहर वाला टाइटल। जो टाइटल पेपर है वो छोटी कॉपी का आपको 1.5 से लेकर 2.5 रुपये तक का पड़ेगा, और बड़ी कॉपी का आपको 3.5 से लेकर 4 रुपये तक पड़ेगा। जैसे कि आप क्वालिटी लेना चाहें वैसे का आपको पेपर मार्केट में मिल जाएगा। तो ये दोनों मटेरियल लेके आप आसानी से अपना काम शुरू कर सकते हो। तो दोस्तों आज जो हम आपको मशीन्स के बारे में बताने जा रहे हैं, ये हमारे पास होती है मॉडल नंबर 5 में, जिसमें आपकी आती है एक स्टिचिंग फोल्डिंग स्क्वेयरिंग मशीन 3-in-1, जिसमें आपका नोटबुक सबसे पहले स्टिच होगा, फिर फोल्ड होगा, फिर स्क्वेयर होगा। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हो कि कैसे मशीन होता है, ये पूरा 3-in-1 मशीन है, फुली ऑटोमेटिक, टच स्क्रीन ऑपरेटेड होता है। आप जैसे वीडियो में देख सकते हो सामने टच स्क्रीन लगा हुआ है, उसमें आपने नोटबुक का साइज़ फीड करके एक बार कोई भी प्रोग्राम सेलेक्ट कर लेना है, फिर ऐसे करके एक एक करके नोटबुक इंसर्ट करते जाना है। इसमें आप जैसे भी जितनी भी स्पीड चाहो उतने पे ऑपरेट करवा सकते हो। कम से कम इसमें आपकी 10 साइकिल पर सेकंड की होती है, और ज़्यादा से ज़्यादा 150 साइकिल पर सेकंड की, जितनी भी आपके हाथ के रखने की स्पीड है कॉपी की उसी के हिसाब से आप इसको स्पीड कम ज़्यादा कर सकते हो। तो आप देख सकते हो कि फुली इसमें ऑटोमेटिक मशीन होता है, पूरा स्टेनलेस स्टील में इसमें सारे कवर्स वगैरह होते हैं। इसमें जितना भी कवर्स है, जितना भी सारा पाउडर कोट हुआ, कोई नॉर्मल आपका कुछ होता नहीं इसमें। तो ये आपको सिंगल फेस में भी मिल जाएगा, थ्री फेस में भी मिल जाएगा। जैसे का आपका इलेक्ट्रिकल लोड है वैसे का आप मशीन को ले सकते हो। इजी टू ऑपरेट है, जैसे ही आप काम करना चाहो वैसे कर सकते हो। इसमें आपको बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं, काफ़ी एक्यूरेसी मिल जाती है नोटबुक की। जैसे कि आप नोटबुक छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, जैसे कि भी बनानी चाहो, इस एक मशीन में सारा काम हो जाएगा,
वो भी ज़्यादा से ज़्यादा एक आदमी रखे, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हो एक आदमी ही सारा काम आपका कर सकता है। तो फुली ऑटोमेटिक मशीन है ये, तो इसके लगा के आपका काफ़ी प्रोडक्शन भी बढ़ता है और लेबर की कॉस्टिंग भी काफ़ी कम होती है। इसमें आपका तीन मशीनों का काम होता है, तो तीन मशीन का मतलब तीन लेबर लग गए कम से कम, तो इसमें आपका एक लेबर के साथ ही सारा काम हो जाएगा, जिससे आपको लेबर की काफ़ी कॉस्टिंग कम पड़ेगी और मशीन की जो एक्यूरेसी है, जो नोटबुक की एक्यूरेसी है, वो भी काफ़ी अच्छी बनेगी। तो ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। तो इसके बाद आता है पेपर कटिंग मशीन, उसका भी वीडियो आप देख सकते हो।
तो दोस्तों 3-in-1 मशीन के बाद इसमें हमारी आती है सेमी ऑटोमेटिक पेपर कटिंग मशीन। इसमें आपने जो नोटबुक उसमें तैयार होकर निकली है उसको इसमें डाल के कटिंग करना है, जिससे आपका दो दो कॉपी का सेट सिंगल सिंगल कॉपी में कन्वर्ट हो जाता है और आपकी सिंगल सिंगल कॉपी तैयार होकर आपको मिल जाती है। आप देख सकते हो वह कैसे वीडियो में कटिंग हो रही है और कितना आसानी से आप इसको भी ऑपरेट कर सकते हो। तो दोस्तों इसके बाद कॉपी कटिंग होने के बाद काम आता है कॉपी को पैक करने का, जिसे हम श्रिंक रैपिंग कहते हैं। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं नोटबुक श्रिंक रैपिंग मशीन, जिसमें हमने कॉपी को जैसे 4-5 कॉपी का सेट बनाना होता है उनको एक मशीन में रख के ऊपर लैमिनेशन चढ़ा के रखना है। तो मशीनें ऑटोमेटिकली उसको श्रिंक करके मतलब हीटिंग दे के उसको लैमिनेशन को साथ में चिपका देना होता है, जिस वजह से कॉपी में कभी भी मॉइस्चर नहीं आता और आपका स्टोरेज करने के लिए नोटबुक काफ़ी इजी हो जाता है। आप कहीं भी सेल करते हो मार्केट में तो कोई भी जो है लैमिनेशन के बिना पैकिंग हुआ माल नहीं लेता, तो हर कोई कहता है कि मेरा स्टॉक में माल पड़ा रहे और जिस वजह से मेरा कभी माल ख़राब भी ना हो, तो इसका भी आप काफ़ी बेनिफिट ले सकते हैं। तो चलो दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस बिज़नेस में प्रॉफिट के बारे में। दोस्तों अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो जो हम मार्केट में कोई भी कॉपी खरीदते हैं जिसका अंदाजन मान लेते हैं कि MRP किसी भी कॉपी का 20 रुपये है, वो अगर आप मैन्युफैक्चर करोगे तो उसका 50% आपका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आता है। माने कि 20 रुपये की कॉपी आपको बना के 10 रुपये की पड़ेगी, आगे आप उसे होलसेल में 13 से 14 में बेचोगे तो एक कॉपी के पीछे आपका 3 से 4 रुपये का प्रॉफिट होता है। तो उसके बाद अगर हम मान के चलें कि इसका लाइसेंस वगैरह, तो इसमें आपके लाइसेंस की कोई ज़रूरत नहीं रहती, आपका मतलब घरेलू उद्योग में आता है ये सारा बिज़नेस, तो लाइसेंस आपका कोई इसमें लगता नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा आप GST नंबर ले सकते हो। और अगर हम बात करें इसमें लोन लेने के बारे में, तो लोन आप इसके लिए इसको लेने के लिए बैंक से पता कर सकते हो अपने नियर अबाउट, जो आपको इसको इसके लोन के बारे में गाइडेंस दे सकता है। तो दोस्तों बहुत ही आसान बिज़नेस है, आसानी से आप कहीं भी शुरू कर सकते हो, ना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए और मतलब बिल्कुल साफ सफाई वाला काम है। आप कहीं भी शुरू करके इसको आसानी से अपना स्टार्टअप कर सकते हो और अच्छा मार्जिन कमा सकते हो। मार्केटिंग के लिए आप अपने लोकल एरिया में होलसेलर के साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हो, अपने उधर हो जितने भी स्कूल्स हैं उनके साथ टाई अप करके उनको बेच सकते हो, तो जिससे आपको कभी भी मतलब सेलिंग में दिक्कत नहीं आती। तो चलो इतना ही था आज की वीडियो में, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।